नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल 7 साल के लंबे अंतराल के बाद बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने लगभग 2000 से अधिक पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। ऐसा बताया जा रहा है कि फिलहाल 1500 रिक्त पदों को भरने का प्लान है, लेकिन बाद में सभी विभागों से रिक्तियां आ जाने के बाद इन पदों के 2 से 2500 के बीच हो जाने का अनुमान है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने यह जानकारी दी है कि सभी विभागों से अधियाचना आने का इंतजार किया जा रहा है। फरवरी महीने के अंत तक इनके आ जाने की संभावना है। इसके बाद इन रिक्त पदों के लिए विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। आपको बता दें कि इन विभागों में रिक्तियों के लिए काम चल रहा है। आपको बता दें कि 2020 में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा था। एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने महागठबंधन की सरकार बनने के बाद 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात कही थी, तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपने चुनावी भाषण में कहा था कि बिहार में बेरोजगार युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में उनकी सरकार पहले से ज्यादा काम करेगी। वहीं भाजपा ने भी अपने चुनावी वादे में 19 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कही थी। नई सरकार के गठन के बाद सरकार की कैबिनेट बैठक में भी अगले 5 वर्षों में 20 लाख रोजगार उपलब्ध कराए जाने की बात पर मुहर लगी थी। आपको बता दें कि ये रोजगार सरकारी, निजी और संविदा पर आधारित क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार तकनीकी विभाग में ही 2415 पदों पर भर्ती करने की तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि तकनीकी विभाग में जिन 2415 पदों पर वैकेंसी निकलनी है उनमें प्रधान लिपिक और लेखापाल के 56, उच्च वर्गीय लिपिक के 88, निम्न वर्गीय लिपिक के 378, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के 1200, पुस्तकालाध्यक्ष के 41, सहायक पुस्तकालाध्यक्ष के 46, ड्राफ्टमैन के 82, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 50, निजी सहायक के 39, विद्युत आपूर्ति पर्यवेक्षक के 35 और कार्यालय परिचारी के लगभग 400 पद शामिल हैं और इन्हीं पदों पर नियुक्ति होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि वर्ष 2014 के बाद एक लंबा समय बीत गया है और बिहार एसएससी की ओर से कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। इससे पहले वर्ष 2014 में प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकला था। अब विभाग लगभग 2 से 2500 युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी कर रहा है। वहीं तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्ति बढ़कर 2000 हो गई है। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्ति की संख्या में पिछले 4-5 दिनों में 500 की बढ़ोतरी हुई है। बताते चले कि बिहार में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। यहाँ बेरोजगार युवाओं की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं है कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराई जाए। हालांकि इस दिशा में नीतीश सरकार द्वारा लगातार सार्थक प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन यह भी सच है कि नियुक्ति प्रक्रिया में देरी होने की वजह से रोजगार पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं लोगों का सब्र का बांध टूटने भी लगा है। यही कारण है कि बीते दिनों राजधानी पटना में बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन भी देखने को मिला था। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।